नमस्कार, मैं हूँ राजा गुप्ता और स्वागत करता हूँ आप सभी का बी हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, झारखंड में मैया समान योजना का पैसा जो है सभी महिलाओं के खाता में भेजना प्रारंभ हो गया है और बीते दिन हेमंत सोरेन के द्वारा 5,91,919 महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। ऐसे में आपका जिला में आपको पैसा जो है कब मिलेगा वो सारा का इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है कि कौन से जिला में कौन से डेट में पैसा मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि आपके जिला में संपूर्ण महिलाओं को पैसा कब तक मिल जाएगा। तो जो भी मैं जानकारी देने वाला हूँ वो सारा चीज हेमंत सोरेन के द्वारा बताया गया है और वो चीज का मैं प्रूफ भी इस वीडियो पे दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और झारखंड के सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो भी जानकारी निकल कर सामने आई है वो मैं देख लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप यह ट्वीट को देखिए जो हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है कि बीते दिन जो है 5,91,919 महिलाओं को मैया सम्मान का पैसा उनके बैंक अकाउंट में भेजा गया है। और यहाँ पर आप अकाउंट भी देख लीजिएगा, ये अकाउंट सीएम हेमंत सोरेन का है। इसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन भी दिया गया है कि कौन सा जिला में कौन से डेट में महिलाओं को 1,000 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पर सारा प्रमंडल भी लिखा हुआ है क्योंकि उस प्रमंडल के महिलाओं के खाते में जो है पैसा जाएगा और जो जिला का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर हेमंत सोरेन का प्रोग्राम है, उसके उसी प्रोग्राम में जो है हेमंत सोरेन डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में पैसा भेजेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पलामू दिया गया है जहां पर 22 अगस्त को जो है उस प्रमंडल के महिलाओं के खाते में पैसा भेजना प्रारंभ हो गया है 22 अगस्त से। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो प्रमंडल में कार्य शुरू होगा पैसा भेजने का वो है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग जिला को चुना गया है जहाँ पर इसका प्रोग्राम किया जाएगा और हजारीबाग से ही महिलाओं के खाते में पैसा भेजना प्रारंभ हो जाएगा। आप इस डेट को याद रखिएगा, अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से है तो आप लोगों के बैंक अकाउंट में जो है पैसा 1,000 रुपया वो 24 अगस्त को भेजा जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रमंडल को चुना गया है वो है संताल परगना। संताल परगना में 27 अगस्त को वहाँ के महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपया भेजा जाएगा और इसका जो प्रोग्राम का स्थान चुना गया है वो दुमका को चुना गया है। तो दुमका में यह प्रोग्राम होगा आपका जाकर 27 अगस्त को। इसके बाद अगर हम लोग अगला प्रमंडल को देखें तो यह है कोल्हान। कोल्हान प्रमंडल में चाईबासा को चुना गया है जहां पर आप लोगों को 28 अगस्त को जो है वहां पर पैसा भेजना प्रारंभ हो जाएगा। कोल्हान के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में पैसा आपका 28 अगस्त को उनके बैंक खाता में जाएगा। इसके बाद जो है 30 अगस्त को चुना गया है जहाँ पर दक्षिणी छोटा नागपुर को रखा गया है जहाँ पर प्रोग्राम होगा, स्थान रांची रखा गया है और दक्षिणी छोटा नागपुर के जितने भी जिला है सभी जिला में जो है पैसा जाने का जो डेट रखा गया है वो 30 अगस्त रखा गया है। 30 अगस्त को दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत जितने भी जिला आते हैं सभी महिलाओं के खाते में पैसा जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग ये डेट को याद रखिए, जो भी जिला से है आपका जो है इस डेट में आप सभी को पैसा मिल ही जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी न्यूज आगे जाकर आता है, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा। तो इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप बने रहे बी हेल्पर यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।